जो हम आज पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, हमें जनरली इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे। पहले तो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। इस इक्वेशन में एक्स की ए की वैल्यू है वन। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल जीरो। इस इक्वेशन में भी एक्स की वैल्यू है वन बट कॉन्स्टेंट माइनस है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल जीरो। हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के इक्वेशन को। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ये तो इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस नाइन, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस थ्री ट्वेंटी फोर, ये भी इस फॉर्म में है, हम सिर्फ सी को देखेंगे प्लस यर प्लस। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ये सेकेंड के फॉर्म में है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एलेवन एक्स माइनस फोर वन फोर फाइव टू इक्वल जीरो, ये भी सेकेंड फॉर्म में है। सो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये भी सेम फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल जीरो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल जीरो। अगर इस तरह के फॉर्म में है तो हम कैसे करेंगे? सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। अगर इस टाइम के टाइप के प्रॉब्लम होते हैं तो हम क्या करेंगे, सी को दो नंबर पे ब्रेक करेंगे। सपोज पी और क्यू के प्रोडक्ट होंगे सी और पी प्लस क्यू शुड बी बी। हमें कैसे पता चलेगा ये प्लस होना चाहिए और या माइनस होना चाहिए? हम सी के इस सिंबल को देखेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस होंगे। पहले वाले एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? दो नंबर लेंगे जिसकी प्रोडक्ट है फाइव, सो फाइव वन जब फाइव और फाइव प्लस वन शुड बी सिक्स। यहाँ प्लस है सो यहाँ प्लस होंगे। सो हम सिक्स को ब्रेक करेंगे, सिक्स एक्स को सिक्स के सिक्स एक्स की जगह लिखेंगे फाइव एक्स प्लस वन एक्स। सो यहाँ होंगे फाइव एक्स प्लस वन एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। हमने सिक्स एक्स को स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, एक फाइव एक्स और एक वन एक्स। सो फर्स्ट टू टर्म्स से हम एक्स कॉमन लेंगे, सो यहाँ होंगे एक्स प्लस फाइव और इन दोनों टर्म्स से हम वन कॉमन लेंगे, सो यहाँ होंगे एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो। दैट मीन्स एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। हम ऐसे फैक्टराइज करेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस नाइन इक्वल जीरो, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो फॉर्म में है। हमें दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोडक्ट है नाइन और सेम नंबर का एट करने से हमको एट मिलेंगे। सो
9 1 जा 9 अभी इस एग्जांपल को देखिए x square plus 9x plus 8 ये भी इसी फॉर्म में है x square plus bx plus c equal 0 सो हम इसको क्या करेंगे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोडक्ट है 8 और सम है 9 हमें कैसे पता चलेगा सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इस साइन को हम देखेंगे यह अगर यह प्लस है तो यह प्लस होंगे सो 4 2 जा 8 4 8 1 जा 8 8 प्लस 1 9 सो हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9x की जगह हम लिखेंगे 8x प्लस 1x सो यह विल बी 8x प्लस 1x प्लस 8 इक्वल 0 यह होंगे x को कॉमन लेंगे इस दोनों टर्म से x प्लस 8 प्लस यहां से 1 को कॉमन लेंगे 1 x प्लस 8 इक्वल 0 x प्लस 8 कॉमन सो x प्लस 8 यहां होंगे x प्लस 1 इक्वल 0 एक अनदर एग्जांपल लेते हैं x square minus 45x plus 324 equal 0 हमें दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी प्रोडक्ट है 324 और यह सम है तो सम है 45 तो ये तो एक बड़ा नंबर है हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 324 को हम 2 से डिवाइड करते हैं 216 जा 2 2s are 2 8 16 2 1 2 3 27 81 3 9 27 3 3 9 3 एक प्राइम नंबर है सो यहां पर खत्म होता है अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 324 मिलेंगे हम इन नंबर्स से में से दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी सम होंगे 45 Suppose 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 और रह गया 3 2 2, 2 2 is 4, 4 3 is 12, so यहां होंगे 39, so 27 और 12 को multiply करने से 324 मिलेंगे, लेकिन 45 नहीं मिलेंगे, 8 करने से, so another number थे, we take, suppose हमें 3 3 is 9, और 2 2 जा 4 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 4 जा 36 3 3 जा 9 सो 8 करने से 45 मिलेंगे सो नंबर होंगे 36 और 9 36 प्लस 9 45 सो हम यहां लिखेंगे x स्क्वायर यहां 45 के आगे माइनस है सो ये तो दो नंबर 8 करने से प्लस 45 मिलेंगे सो दोनों के आगे माइनस लगा देंगे माइनस 9x प्लस 324 अगर यहां प्लस है तो यहां दोनों ही में ही माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है माइनस माइनस प्लस 324 सो हम यहां से x कॉमन लेंगे x माइनस 36 और 9x और 324 से हम क्या कॉमन लेंगे 36 into 9 इट विल बी 324 सो हम यहां से भी 9 कॉमन लेंगे सो यहां रह जाएंगे x minus 36 equal 0 x minus 36 x minus 36 कॉमन x minus 36 सो रह जाते हैं x minus 9 equal 0 फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं x square plus 7x minus 60 equal 0 ये इस फॉर्म में है x square plus bx minus c equal 0 हमें दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से c मिलेंगे और यहां माइनस है तो सेम नंबर को
सेम नंबर के डिफरेंस होंगे b, सो हमें दो नंबर फाइंड आउट करना है. सपोज 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 60 और 10 माइनस 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7. सो हम ये दोनों नंबर नहीं लेंगे. सो अगेन 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7. सो यहाँ होंगे 12 एंड 5. अगर यहाँ प्लस है तो 12 के आगे प्लस होंगे और 5 के आगे माइनस होंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0. सो फ्रॉम हियर x कॉमन, x प्लस 12, 5 और 60 को 5 से ही डिवाइड किया जाता है. सो 5 कॉमन x, हियर 12, यहाँ तो माइनस सिंबल है, यहाँ माइनस है, सो हियर विल बी प्लस, माइनस प्लस इट विल बी माइनस इक्वल 0. सो एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 12 कॉमन, सो यहाँ होंगे एक्स माइनस 5 इक्वल 0. अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 5. एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल 0. यहाँ माइनस सिंबल है, सो दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये मिलेंगे और माइनस करने से 11 मिलेंगे. हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. ये तो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर होंगे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने से आपको आसानी होगी. 1452 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 27 जा 14, 227 जा 226 जा 52, 2 से 236 जा 72, 23 जा 6, 31 जा 32 जा 31 जा 11, 11 जा 121. सो हम 11 और 4 लेते हैं, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33. सो 43 माइनस 33 होंगे 11 और 44 और 33 को मल्टीप्लाई करने से हमें ये नंबर मिलेंगे. सो एक्स स्क्वायर माइनस, हियर हम सपोज हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक 44 एक्स है और एक 33 एक्स है, यहाँ तो माइनस है. सो हमें बड़ा नंबर के आगे माइनस लगाना है और छोटे नंबर के आगे प्लस लगाना है, तभी तो माइनस मिलेंगे. माइनस 1452 इक्वल टू 0. हम यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन एक्स माइनस 44 और यहाँ से 33 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस ये तो 44 होंगे इक्वल टू 0. सो एक्स माइनस 44, एक्स माइनस 44 कॉमन, यह होंगे एक्स प्लस 33 इक्वल 0. अब हमें दूसरे वाले एग्जांपल लेंगे, नंबर 6 एग्जांपल. अब इस वाली प्रॉब्लम को देखिए, यह हमें क्या करना है, a से 12 को मल्टीप्लाई करना है, 12 थ्री जा 36. दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 36 हमको मिलना चाहिए और सेम दो नंबर को प्लस करने से हमें 13 मिलना चाहिए. हमें कैसे पता चलेगा यहाँ प्लस होंगे, हमें देखना है 3 प्लस और प्लस इट विल बी प्लस. सो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सो प्लस करने से हमें 13 मिलना चाहिए. सो यह होंगे 9 4 जा 36, 9 प्लस 4 इक्वल टू 13. सो यार विल बी एक्स स्क्वायर, यार 9x, 4x प्लस 12 इक्वल 0. अब यहाँ देखिए, यहाँ तो माइनस है, माइनस 13. सो माइनस 9 माइनस 4 होंगे माइनस 13. अब 3x और 9x से, 3x स्क्वायर और 9x से हमें कॉमन लेना है 3x. सो हियर विल बी एक्स, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 9x से हमने 3 कॉमन लिया, सो यहाँ होंगे 3 और 4 और 12 से हम कॉमन लेंगे 4, सो हियर विल बी एक्स माइनस 3 इक्वल 0. सो एक्स माइनस 3 कॉमन, सो हियर विल बी 3x माइनस 4 इक्वल 0.
सो हम इसको ऐसे करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7. 9x² - 3x - 12 = 0. हम क्या करेंगे, सपोज यार 2 लेंगे, 9 2 = 18, दो नंबर मल्टीप्लाई करने से 18 होना चाहिए, और 9 के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस, सो प्लस माइनस विल बी माइनस शुड बी 3. सो 6 3 = 18, 6 - 3 = 3. सो यहाँ होंगे 9x², यहाँ होंगे 6x और 3x -2 = 0. सो यहाँ तो माइनस है, सो बड़ा वाला नंबर के आगे माइनस, छोटा वाला के आगे प्लस देंगे. सो 9 और 6 को 3 से डिवाइड करते हैं. सो एच एफ ऑफ 9 एंड 6 इज 3. सो हम 3 कॉमन लेंगे, और x² और x से जिसकी पावर कम है उसको कॉमन लेंगे x. सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 होंगे, 3 3 = 9, और यहाँ होंगे x माइनस 2, और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन आएंगे, 3x - 2 = 0. इम्प्लाइज 3x - 2 3x + 1 = 0. सो हम इस तरह से हमको फैक्टराइज करना है. बच्चो हम आज एक्सरसाइज 4.2 करेंगे. पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10, ये इस फॉर्म में है, x² + bx - c = 0. अगर इस फॉर्म में है, सो यहाँ है 10, सो अगर यहाँ माइनस है तो टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से c मिलना चाहिए, p और q, और p माइनस q शुड बी b. सो हम ऐसे करेंगे, x² - 3x - 10 = 0 इम्प्लाइज 5 2 = 10, और यह माइनस है, सो 5 - 2 = 3. सो यहाँ हम लिखेंगे x², यहाँ होंगे 5x, यहाँ 2x - 10 = 0. हमें किस नंबर में माइनस देना चाहिए अभी, सो यहाँ माइनस है, सो यह 12 नंबर के आगे माइनस, छोटा नंबर के आगे प्लस होंगे. सो हम अभी x कॉमन लेंगे, यहाँ से x² से x कॉमन लेंगे तो यह रह जाता है x, 5x से x कॉमन लेते हैं यह रह जाता है 5, और 2 और 10 से 2 को कॉमन लेंगे, 2x से 2 कॉमन लिया तो यह रह जाएंगे x, माइनस 10 से x को कॉमन लिया, 2 5 = 10 = 0. इट मीन्स x - 5 x + 2 = 0. अभी हमें रूट को फाइंड आउट करना है. सो x - 5 x + 2 = 0. हमें नहीं पता है ये टर्म 0 है और ये वाला 0 है और ये वाला 0 है, सो कौन सा वाला 0 है हमें नहीं पता. सो हम लिखेंगे देयरफॉर x - 5 = 0 और x + 2 = 0. यहाँ होंगे x = -5 को यहाँ लेंगे तो ये होंगे +5 और x = -2. सो 5 and 2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, देयरफॉर 5, 2 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2x² + x - 6. यह हम क्या करेंगे, 2 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 = 12. यहाँ 2 के आगे प्लस और 6 के आगे माइनस है, सो यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस शुड बी द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कोफिशिएंट, सो हियर इज 1, सो 1, सो 4 3 = 12, और 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेंगे. सो 2x² यहाँ प्लस है, सो 4 के आगे प्लस होंगे, सो 4x - 3x - 6 = 0. सो 2 और 4 से 2 कॉमन लेंगे, x² और x से x कॉमन, x + 2, और 3 और 6 से 3 कॉमन लेंगे, x + 2 = 0. सो x + 2 कॉमन,
सो यहाँ होंगे 2x-3=0, देयरफॉर ये 0 होंगे और ये 0 होंगे, देयरफॉर x+2=0 और 2x-3=0, देयरफॉर यहाँ होंगे x=-2 और इस इक्वेशन 2x=-3 को यहाँ लाएंगे तो ये होंगे +3 और x=3/2। हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नंबर 3, रूट ऑफ आर 2x²+7x+5√2=0। रूट ऑफ आर 2 से 5√2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5√2 × √2, 5√2 × √2, 5 × 2 = 10। इन दोनों से को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, 10। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 होंगे और सेम दो नंबर को हमें ऐड करने से 7 मिलना चाहिए। क्यों हमने ऐड लिखा, या तो माइनस है ही नहीं, सो ऐड ही होंगे ऑब्वियसली। सो रूट ऑफ 2x², 7 की जगह, सो 5 × 2 = 10, 5 + 2 = 7, सो 7 की जगह लिखेंगे 5x+2x+5√2=0, इंप्लाइज 2x², यह हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 2x² और रूट ऑफ 5x से 5 कॉमन x कॉमन लेंगे, सो x रूट ऑफ 2x प्लस हियर विल बी 5। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, 2 को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 × √2, सो यहां होंगे रूट ऑफ 2, यहां भी है रूट ऑफ 2, सो यहां रूट ऑफ 2 कॉमन लेते हैं, सो हियर विल बी रूट ऑफ 2x+5=0। सो √2x+5 कॉमन, सो x+√2=0, देयरफॉर आइदर x+√2=0 और √2x+5=0, यहां से होंगे x −√2 और यहां से √2x = −5, यानी कि x होंगे −5/√2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4 एग्जांपल, 2x²-x+1/8=0। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और h इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एच ए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे तो क्या मिलेंगे, 16x², 8 × x 8x + 8 × 1/8=0। एच ए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों एच ए मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यह डिनोमिनेटर में 8 है, सो 16x²-8x+1=0। हम इसको a − b² फॉर्मूला में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, 16 को लिखेंगे 4x²-8 को लिखेंगे 2 × 4x, 8x हो गया और 1, a फॉर्मूला है a² − 2ab + b², सो +1 means 1² = 0। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो लिखेंगे एक है 4x और दूसरा है 1, यह होगा −4x − 1² = 0, therefore 4x − 1 = 0 और 4x − 1 = 0, यह होल स्क्वायर है, सो दोनों सेम होंगे, सो फ्रॉम हियर x = 1/4, यहां से भी x = 1/4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे,
Question number 5. 100 x square minus 20 x plus 1. यहाँ देखिए 10 10 जा 100, 1 means 1 square. So हमें इसको a minus b whole square form में ला सकते हैं. क्योंकि यहाँ minus है, so a minus b whole square. हमें लिखना है ये एक square term है और ये भी एक square term है. ये भी split करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम whole square में करते हैं. So here will be 100 x square को हम माइन 100 x square को हम लिखेंगे 10 x square माइनस 20 को लिखेंगे 2 into 10 x 20 x into 1 plus 1 square equal to 0. So 10 x की square और 1 की square. So here होंगे 10 x माइनस 1 whole square equal to 0. Therefore 10x minus 1 equal to 0 or 10x minus 1 equal to 0. यहाँ होंगे x की value 1 by 10. यहाँ भी x की value होंगे 1 by 10. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Sum should be 27 and product should be 182. हमको नंबर फाइंड आउट करना है. अगर हम एक नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर 27, तो 27 से x घट गया, सो अगला नंबर होंगे 27 माइनस x. सो इफ वन नंबर इज x, द अदर नंबर विल बी 27 माइनस x. सपोज x नंबर लेते हैं x, सो अदर नंबर विल बी 27 माइनस x. सो फर्स्ट लाइन तो हो गया. Second line, the product of these two numbers is 182. According to question, x से हम अगर multiply करेंगे 27 minus x to result आएंगे 182. हमें x की value find out करना है. x से 27 multiply करेंगे तो 27x. x से x को multiply करेंगे x square equal to 182. That means minus x square को हमें यहाँ लिखते हैं plus 27x minus 182 equal to 0. अगर हम minus से इन तीनों को multiply करते हैं तो क्या होंगे? यहाँ होंगे plus x square, यहाँ होंगे minus 27x, यहाँ होंगे plus 182. अभी c का value है positive. So, हमें दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको इनटू करने से 182 और प्लस करने से 27 आएंगे. हम फैक्टराइज करते हैं 182. 2 9 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 3 जा. So, 7 2 जा 14 और नेक्स्ट विल बी 13. 14 प्लस 13 27. So, x स्क्वायर यहां होंगे 14x, यहां होंगे 13x plus 182 equal to 0. Yeah, 14 plus 13, 27. So, minus 14, minus 13, minus 27. So, hame x ko common lena hai. X minus 14. Aur yaha 13 aur 182 se 13 common. X minus 13 into 14, 182. So, yaha honge 14 equal to 0. So, x minus 14 common, x minus 13 equal to 0. Therefore, either x minus 14 equal 0 or x minus 13 equal 0. Therefore, x equal to 14 or yahan honge x equal to 13. Abhi question ko dekhte hain. Find two numbers whose sum is, so number is 14 and 13. Therefore, the numbers are 14 ek number 14 lenge, to next number honga 27 minus 14 equal to 13. 14 and 13. Ab ek evil example likhe. Find two
Conjugative. Conjugative means if one is x, other will be one more x plus 1. So find two conjugative positive integers, sum of whose square is 365. मान लेते हैं the integers are x and x plus 1. अगर हम इसको according to question, अगर हम इसको square करते हैं और इसको भी square करते हैं और दोनों को add करते हैं plus करते हैं, answer will be 365. हमें x की value find out करने हैं. देखिए, ये होंगे x square. So, ये a plus b whole square, square plus 2 into x into 1, that means 2x, 1 square means 1 equal to 365. So, x square, 2x square, 2x plus 1 minus 365 equal to 0. So, 2x square plus 2x, 1 minus 365 minus 364. to 0. इन तीनों नंबर को हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो इजी होंगे. So here will be x square, here will be x, 364 की हाफ है 182 equal to 0. अभी हमें दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जिसकी प्रोडक्ट है 182 और डिफरेंस है माइनस है, मींस डिफरेंस है 1. So, हमें कैसे पता चलेंगे ये डिफरेंस करना है या ऐड करना है, इस सिंबल से. अगर यह माइनस है तो यह डिफरेंस होंगे. So, 182 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 9 जा 2 1 जा 7 1 जा 7 3 जा. So, नंबर विल बी 13, 7 2 जा 14. 14 minus 13 equal to 1, 14 into 13, 182. So, x square plus 14x minus 13x, 14 minus 13, 1 plus 1 minus 182 equal to 0. So, yaha x square, x ko common lenge, x plus 14 minus, yaha ko, yaha se bhi x 13 ko common, x plus 14 equal to 0. So, x plus 14 common, so it will be x minus 13 equal to 0. That means x plus 14 equal to 0 or x minus 13 equal to 0. That means x equal to here 13 and here x equal to minus 14. अभी question में है, find two consecutive positive. दोनों integer positive होना चाहिए. So हमें एक तो मिला है 13, next will be 14. हमें minus 14 नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है it should be positive. So since x is positive, therefore the numbers are, so पहले होंगे 13, next will be 14. So these are the numbers. अभी हमें third example लेना है. अभी एक एग्जांपल लिखे. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. Suppose ये एक right triangle है. Suppose ये एक right triangle है. The altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. अभी यहाँ क्या है? Altitude बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. Suppose बेस होंगे x, so altitude will be x minus 7. इस क्वेश्चन में altitude बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, so हमने बेस को लिया x, so altitude will be, it is altitude will be x minus 7. So let the base be x, let base equal to x, therefore altitude means perpendicular equal to x minus 7. If the hypotenuse is 13, now this is the hypotenuse is 13,
So find the other two sides, इस साइड और इस साइड को फाइंड आउट करना है. मींस x को फाइंड आउट करेंगे तो दोनों ही साथ साइड आ जाएंगे. नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 13 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर. दैट मींस 13 स्क्वायर मीन 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 स्क्वायर मीन x स्क्वायर माइनस 7 इंटू x 7x into 2 times, that means 14x plus 7 square means 49. That means 169 equal to 2x square minus 14x plus 49. That means 2x square minus 14x plus 49. Agar hum isko yahan layenge to ye honge 169 equal to 0. So 2x square minus 14x minus 120 equal to 0. 2 se divide karenge, yahan honge x square, 2 7 ja 14, 2 60 ja 120. So two number ka product should be 60 or difference should be 7. So 12 5 ja 60, 12 minus 5 equal to 7. So x square, here 12x, here 5x, minus 60 equals 0. Yaha minus hai, so bara wala ke agar minus, yaha plus honge. So, from here, x common, x minus 12, plus yaha se 5 common, x minus 12 equal to 0. So, x minus 12, x plus 5 equal to 0. So either x minus 12 equal 0 or x plus 5 equal to 0. From here x 12 or from here x equal to minus 5. X ki value aya hai minus. That means base yaha minus, base to minus nahi ho sakta. So x ki value honge 7. So base equal to 12 and altitude honge 12 minus 7. 12 minus 7 equal to 5 centimeter. ये होंगे 12 centimeter. अब हमें अगला वाला problem लेते हैं. यह दिया गया है, एक cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक cottage industry कुछ article produce करते हैं. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. It was observed on a particular day that cost of production of each article, जो एक article का cost price है, वो depend कर रहा है articles के ऊपर. That means if we take the number of articles x, यह cost depend कर रहा है articles के ऊपर. So हम articles को x लिखेंगे. Let number of articles be x. So cost price of one article will be, so cost is twice the number of articles produced, that means twice x. Were 3 more than twice x plus 3, this much rupees, and total cost on that day was 90. Us din ki total cost tha 90. Now yaha hame total number of articles x aur mil gaya hai cost of one article. According to question, total cost equal to 90 rupees. Total cost means cost of one article into total number of article equal to 90. So cost of one article is given here 2ix plus 3 or total number of articles hai x, so here 90. So twice x into x square, so 3 into x 3x
माइनस 90 को इधर लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व करना है, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को बनाना बहुत जरूरी है, बाकी तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें अब 2 और 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, 290 जा 180, दो नंबर प्रोडक्ट करने से 180 होना चाहिए, और डिफरेंस बिकॉज हियर इज प्लस हियर इज माइनस, डिफरेंस शुड बी 3। सो 180 को हम यहाँ ब्रेक कर लेंगे, 29 जा 245 जा 59 जा 3 जा, सो यह 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएंगे। सो हियर हम लिखेंगे 2x2, 3x की जगह लिखेंगे 5x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। सो हम यहाँ x को कॉमन लेंगे, 2x प्लस 15 माइनस, इधर से क्या कॉमन लेंगे, अगर हम यहाँ 2x प्लस 15 लिख देते हैं इक्वल 0, सो यहाँ होंगे 6 टू जा 12, ये दोनों सेम होना चाहिए, 6 15 जा 90। सो x माइनस 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स therefore either x माइनस 6 इक्वल 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2। x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो इट विल नॉट बी द आंसर, सो x विल बी 6, therefore टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू 6, एंड कॉस्ट भी निकालना चाहिए, कॉस्ट इक्वल टू 2x प्लस 3 रुपीज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 प्लस 3, 6 टू द 12 प्लस 3 15 रुपीज, दैट मीन्स 15 6 जा 90 हमें मिल जाएंगे। सो दीज आर द आंसर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।